नमस्कार, स्वागत है आपको करियर प्लानर के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरिस लाल वेलकम करता हूँ एक नए सीरीज़ को लेके। और नया सीरीज जैसे कि आप अभी देखे हैं, 5 सितंबर को टोक्यो पैरालंपिक का जो है सेशन ख़त्म हुआ है। और इस बार का पैरालंपिक का जो सीरीज़ है वो भी बाकी सभी पैरालंपिक के इवेंट से जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने जी जान लगा दिया। और कहते हैं ना कि बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, जब शरीर का एक अंग नहीं हो तो मैटर नहीं करता है, दिल में एक उम्मीद होनी चाहिए तो हम शायद वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक हमको पहुँचना होगा। और ये हमारे जो हैं जो देश के गौरव हैं, उन्होंने साबित कर दिया है इस बार कि हम लोग का जो है खेल में, ओलंपिक में दिन प्रतिदिन जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। टोक्यो ओलंपिक आप लोग देखे ही थे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। और टोक्यो पैरालंपिक को लेकर भी हम एक सीरीज चला लेके आए हैं। तो बिना टाइम गवाते हुए हम लोग टोक्यो पैरालंपिक पे जो है ध्यान देते हैं। और आप देखिए कि पैरालंपिक का जो सीरीज रहा है, इसमें हम लोग पहले भी जान रहे थे कि टोटल जो मेडल जीता गया है भारत की तरफ से वो 5 आपका क्या है गोल्ड मेडल, 8 आपका क्या है सिल्वर मेडल और 6 आपका क्या है ब्रॉन्ज मेडल। यानी टोटल मेडल हम लोग कितना जीते हैं तो क्या कहेंगे 19। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि पैरालंपिक में भारत का टोटल मेडल कितना रहा तो क्या कहेंगे 19। ये कुछ चेहरे हैं, बहुत सारे चेहरे अब जो है देश के रौनक बन गए हैं। सबसे पहले जो है वो देखिए अवनी लखेरा, आप जानते होंगे अवनी लखेरा का, ये राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है और गोल्ड मेडल भी जीती हैं। तो इसके बारे में हम लोग जो भी 19 लोग जीते हैं उसमें से एक DM भी हैं गौतम बुद्ध नगर नोएडा के, जो कि अभी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इन सब तरह की जानकारी हम लोग अगले स्लाइड बाय स्लाइड देखते जाएंगे, हर एक खिलाड़ी का नाम यहाँ पे आपको आता जाएगा। तो देखिए दूसरा स्लाइड हम लोग देखते हैं कि दूसरे स्लाइड में क्या है। देखिए इंडिया एट ओलंपिक के बारे में बताया गया है, क्या इंडिया एट ओलंपिक 2020, इंडिया एट ओलंपिक क्या है 2020। सितंबर 5, 2021 को ये खत्म हुआ है, मेडल टैली है। अगर कोई पूछेगा कि टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो पैरालंपिक में सबसे ज्यादा मेडल कौन जीता है तो क्या कहेंगे चाइना। टोटल 96 गोल्ड मेडल, 60 सिल्वर मेडल, 51 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल मेडल की संख्या कितनी है 207। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए कौन रहा है, ग्रेट ब्रिटेन, उसका जो है गोल्ड मेडल कितना 41, 38 आपका क्या रहा सिल्वर और 45 क्या रहा ब्रॉन्ज, टोटल मेडल की संख्या कितनी रही 124। तीसरे नंबर पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट में गोल्ड मेडल कितना जीता है 37, सिल्वर 36, ब्रॉन्ज 31 और टोटल कितना मेडल रहा 104। और भारत का इस पैरालंपिक में देखेंगे कि क्या इसका स्थिति रहा, तो ये क्लियर हो जाइएगा कि पिछले सभी इतिहास में जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है भारतीय दल जो है। और देखेंगे 19 मेडल टोटल जो है भारत के खाते में आया है, गोल्ड कितना 5, सिल्वर कितना 8 और ब्रॉन्ज कितना 6, यानी टोटल मेडल कितना 19। एक बार फिर से देखिएगा, चाइना का टोटल मेडल कितना 207, ग्रेट ब्रिटेन का टोटल मेडल कितना 124, यूनाइटेड स्टेट का टोटल मेडल कितना 104 और इंडिया का टोटल मेडल कितना तो 19, कितना 19। और याद रखेंगे नंबर 1 पे कौन सा रहा तो क्या कहेंगे चाइना, नंबर 2 पे ग्रेट ब्रिटेन, नंबर 3 पे यूनाइटेड स्टेट और इंडिया का रैंकिंग याद रखना है 24 नंबर पे। इंडिया का रैंकिंग कितने नंबर पे 24 नंबर पे। अब देखेंगे एक एक करके जो है कौन कौन खिलाड़ी क्या क्या मेडल जीते हैं। तो देखिए सबसे पहला नाम प्रमोद भगत, जानते होंगे प्रमोद भगत के बारे में। प्रमोद भगत जो है उन्होंने बैडमिंटन में, किस खेल में, बैडमिंटन में, ये भी याद रखिएगा। अगर कोई पूछ दे कि प्रमोद भगत किस गेम से जुड़े हुए हैं तो क्या कहेंगे बैडमिंटन। और मेन सिंगल्स में उन्होंने कौन सा मेडल जीता है तो गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल पहला नाम हम लोग यहाँ पे क्या बताएं, प्रमोद भगत। और याद रखिएगा इसको तो आप लोग जानते होंगे, SAI का मतलब यानी भारतीय जो है वो दल का जो है एक अपना ऑफिशियल जो है संस्था है खेल का, जिसको कहते हैं साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। दूसरा हम लोग देखेंगे प्रमोद भगत के बाद मनीष नरवाल। मनीष नरवाल भी पैरा शूटिंग में जो है मिक्स में
पैराशूटिंग मिक्स पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अभी हाल ही में मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, गोल्ड मेडल। पूछेगा किस गेम से जुड़े हुए थे, तो क्या कहेंगे, शूटिंग। और याद रखिएगा मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में जो है, ये सभी कभी कभार पूछ देता है, मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में जो है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट आपका देखिएगा कृष्णा नागर, सारा का फेस वाइज भी हम लोग जो है देखिए, कृष्णा नागर जो है वो बैडमिंटन में, किसमें, बैडमिंटन में मेन सिंगल्स में जो है याद रखेंगे कौन सा मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, गोल्ड मेडल। इससे पहले भी हम लोग देख रहे थे कि प्रमोद भगत बैडमिंटन मेन सिंगल्स में जो है गोल्ड मेडल, और ये भी कृष्णा नागर भी जो है बैडमिंटन मेन सिंगल्स H6 में जो है गोल्ड मेडल। तो याद रखिएगा, घबराने वाली बात नहीं है कि सर दोनों प्लेयर बैडमिंटन एक ही गेम से रिलेटेड है, तो बिल्कुल एक ही गेम से रिलेटेड है। देखेंगे यहाँ पे मेन सिंगल्स H6 लेवल है और यहाँ पे मेन्स सिंगल जो है वो SL3 लेवल है, तो ये लेवल पे भी जो है वो डिसाइड किया जाता है कि कौन कितने इवेंट होंगे, इसीलिए ओलंपिक से पैरालंपिक में ज़्यादा इवेंट होता है। याद रखना ओलंपिक में लगभग 350 इवेंट हुए थे, लेकिन यहाँ पे लगभग 550 इवेंट हुए हैं, तो इवेंट इसका जो है बढ़ जाता है। चौथा नाम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट नाम अबनी लेखरा, शूटिंग में, किस गेम में, शूटिंग में कौन सा मेडल, तो क्या कहेंगे, गोल्ड मेडल, ठीक ना। और याद रखिएगा अबनी लेखरा जो है इसके अलावा एक मेडल और जीती हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दो मेडल है इनका ओलंपिक पैरालंपिक में, राजस्थान की हैं, और राजस्थान की सरकार ने अभी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, किसको, अबनी लेखरा को। तो याद रखेंगे अबनी लेखरा किस गेम से जुड़ी हुई हैं, तो शूटिंग, और कौन सा मेडल जीती हैं, तो क्या कहेंगे, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट हमारा स्लाइड देखिए क्या है, हाँ पिछले बार भी आप देखे होंगे बहुत बड़ा नाम बन के उभरा था मरियप्पन थंगावेलू, और इस बार का फ्लैग बेरर भी यही रखा गया था, लेकिन अंतिम समय में टेक चांद जो हैं पैरालंपिक के फ्लैग बेरर रहे थे। इन्होंने पैरा एथलेटिक्स हाई जंप में, किसमें, पैरा एथलेटिक्स हाई जंप में कौन सा मेडल जीता, तो सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल, याद रखिएगा पैरा एथलेटिक्स हाई जंप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो गोल्ड मेडल के बाद हम लोग किस पे आए हैं, सिल्वर मेडल, तो कौन कौन, मरियप्पन थंगावेलू। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रवीण कुमार, याद रखेंगे प्रवीण कुमार भी जो है वो पैरा एथलेटिक्स में हाई जंप में उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, सिल्वर मेडल। इससे पहला का देखिए T63 रैंक में मेडल है, और इसका देखिए T64 में, तो अंतर स्पष्ट रखिएगा। हालांकि इतना डीपली आपसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस इतना याद रखिएगा प्रवीण कुमार किस खेल से, एथलेटिक्स किस इवेंट में, हाई जंप में कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल। और इसे ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देवेंद्र झाझरिया, याद रखेंगे देवेंद्र झाझरिया जी जो है जैवलिन थ्रो में, जैवलिन थ्रो का नाम तो आजकल बहुत फेमस हो गया, अभी हमारे हरियाणा का जो है नीरज चोपड़ा ने भी जो है इस बार गोल्ड मेडल जीता, भारत की तरफ से एक ही गोल्ड मेडल था और वो गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा का था, और इसी कारण से आप याद रखें 7 जो है अगस्त को उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इसलिए सरकार ने क्या कर दिया, 7 अगस्त से अब से हर बार जैवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट करेंगे, ये डिक्लेयर कर दिया। हरियाणा सरकार के द्वारा जो है काफ़ी इनाम दिया गया, 6 करोड़ का इनाम उनको गोल्ड मेडल जीतने पे था, लगभग 13.5 करोड़ रुपये के इनाम की राशि उनको मिली। RBI ने बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन में उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, इन सब चीजों को भी याद रखना होगा। तो देवेंद्र झाझरिया भी जो है किस गेम से, जेवलिन थ्रो डे से, किस गेम से, जेवलिन थ्रो डे से, याद रखेंगे किस गेम से है, जेवलिन थ्रो डे से। तो जेवलिन थ्रो डे जो है, जेवलिन थ्रो जो है, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, हाँ जेव, अच्छा चलो इस तरह से लिखा रहा है, जेवलिन थ्रो में अंडरलाइन कर दिया कि जेवलिन थ्रो में जो है सिल्वर मेडल किस प्लेयर ने जीता, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, देवेंद्र झाझरिया। क्वेश्चन आ जाएगा कि देवेंद्र झाझरिया जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन में अगर 4 वो रहेगा तो आप उसमें क्या करिएगा, जेवलिन थ्रो। हमने कहा कि जेवलिन थ्रो डे याद रखिएगा, बहुत बड़ा जो है न्यूज़ है कि जेवलिन थ्रो डे हर साल अब कब सेलिब्रेट करेंगे, तो वहाँ पर हम किसको कहेंगे, 7 अगस्त कहेंगे, क्या कहेंगे, 7 अगस्त। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लाइड क्या है, योगेश कथुनिया, याद रखिएगा योगेश कठुनिया जो हैं उन्होंने एथलेटिक्स में किस में,
डिस्कस थ्रो में, किस इवेंट में, डिस्कस थ्रो में जो है सिल्वर मेडल जीता है। याद रखेंगे कि योगेश कठुनिया जो है वो डिस्कस थ्रो में, याद रखेंगे डिस्कस थ्रो में कौन सा मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट स्लॉट आपका देखिए क्या है, निषाद कुमार, क्या है, निषाद कुमार, तो याद रखेंगे ये भी हाई जंप में, मेंस हाई जंप T47, आपको सिर्फ इतना याद रखना है हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, सिल्वर मेडल, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है, भाविना पटेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, भाविना पटेल किस में, टेबल टेनिस गेम में, किस गेम में, टेबल टेनिस में, और वो भी किस में, तो वुमेन सिंगल्स में, उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, सिल्वर मेडल। तो कोई आपसे पूछे कि भावना पटेल पैरालंपिक में कौन सा मेडल जीती है, तो क्या कहेंगे, सिल्वर मेडल, और किस गेम से जुड़ी हुई है, तो क्या कहेंगे, टेबल टेनिस, किससे, टेबल टेनिस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंहराज, याद रखेंगे सिंहराज जो है ये पैरा शूटिंग में मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में जो है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, सिल्वर मेडल। क्लियर, याद रखिएगा कि सिंहराज जो है किस गेम से जुड़े हुए हैं, पैरा शूटिंग, और 50 मीटर पिस्टल में जो है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट आपका है, हाँ ये इनको याद रखिएगा, ये भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं गौतम बुद्ध नगर के, तो कोई पूछेगा कि टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अभी हाल ही में पार्टिसिपेट किया उन्होंने कोई मेडल जीता, तो याद रखिएगा पैरालंपिक में जो है बैडमिंटन में, किस में, बैडमिंटन में जो है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, सुहस यथिराज जो है वो सिल्वर मेडल जीता है, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है यूपी गवर्नमेंट में, किस डिस्ट्रिक्ट के, तो नोएडा के, किसके, नोएडा के। नेक्स्ट आप देखिएगा क्या है, शरद कुमार, है ना, शरद कुमार जो है पैरा एथलेटिक्स के हाई जंप T63 इवेंट में जो है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट आपका देखिए मनोज सरकार, कौन है, मनोज सरकार, ये भी बैडमिंटन मेंस सिंगल्स L3 लेवल में और L4 लेवल में भी एक में हम लोग नाम डिस्कस किए थे, तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, ब्रॉन्ज मेडल। मनोज सरकार किस गेम से, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कौन सा मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक में, तो हम लोग क्या कहेंगे, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हरविंदर सिंह, क्या नाम है, हरविंदर सिंह, उन्होंने आर्चरी में, किस में, आर्चरी धनुर्विद्या में जो है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, ब्रॉन्ज मेडल। याद रखेंगे किस में, आर्चरी में कौन सा मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद हम लोग देखेंगे विनोद कुमार, विनोद कुमार जी जो है वो डिस्कस थ्रो में, किस में, डिस्कस थ्रो में जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आप कहिएगा सर काफी ज्यादा ये कंफ्यूजिंग है, डिस्कस थ्रो में दो दो प्लेयर जीता है, बैडमिंटन में दो दो प्लेयर मेडल जीत रहा है, ठीक ना। तो याद रखिएगा दिव्यांग का ओलंपिक है ना, पैरा ओलंपिक लिखा है, ठीक ना, तो यहाँ पे इवेंट जो है वो चेंज हो जाता है थोड़ा, तो इवेंट इनके अनुरूप ही बनाया जाता है, तो इसलिए थोड़ा लेवल इसका इवेंट ज्यादा होता है। तो डरने वाली बात नहीं है, खाली आप नाम याद रखना, प्लेयर का नाम याद रखना, किस गेम से जुड़ा हुआ है वो याद रखना, और साथ ही साथ ये याद रखना कि उन्होंने कौन सा मेडल जीता है। नेक्स्ट आपका देखेंगे हम लोग क्या है, सुंदर सिंह गुर्जर, नाम ही खतरनाक है भाई, सुंदर सिंह गुर्जर, और काम भी उन्होंने खतरनाक किया है जैवलिन थ्रो में, जैवलिन थ्रो में F46 में उन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। अभी देखो हम लोग इससे पहले देवेंद्र का नाम भी पढ़ रहे थे, देखते जाना, देवेंद्र जो है, देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो F46 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं देवेंद्र झाझरिया के बाद जो है वो आपका क्या है, विनोद कुमार के बाद सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो में उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक ना, कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद देखिए ये एक कंप्लीट लिस्ट है, अगर स्लाइड में कुछ छूट गया होगा तो ये कंप्लीट लिस्ट है, इस कंप्लीट लिस्ट में देखिएगा कौन कौन सा नाम है, पहला गोल्ड मेडल विनर देखिए कौन कौन है, तो गोल्ड मेडल में अवनी लेखरा, बता रहे थे हम लोग किस गेम से जुड़ी हुई है, निशानेबाजी से। सुमित अंतिल का नाम एक बार जो है इमेज में नहीं है, तो याद रखना ये सुमित अंतिल जो है वो जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है, उन्होंने भी जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। मनीष नरवाल जो है उन्होंने जो है निशानेबाजी में कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल।
उसके बाद प्रमोद भगत के बारे में बता रहे थे हम लोग, वो भी बैडमिंटन में कौन सा मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल। और कृष्ण नागर जो हैं उन्होंने भी बैडमिंटन में कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। तो यहाँ से अब तुमको क्लियर हो गया होगा। अच्छा ये बात है कि एक एक इवेंट में बहुत सारे प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कौन कौन सा मेडल जीता। तो गोल्ड प्लेयर, गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर का नाम क्या है, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत और कृष्ण नागर। ठीक ना, याद हो जाएगा, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत और कृष्ण नागर। या बच्चों इसको जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवनी लेखरा किस गेम से जुड़ी हुई है, तो निशानेबाजी। और एक प्रमोद भगत भी याद रखना, अपना बिहार सबसे बेस्ट है, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। किससे, बैडमिंटन से। रजत पदक विजेता का नाम बताएं। तो अभी हम बताएं कि एक डीएम का नाम जो है उत्तर प्रदेश के जो है गौतम बुद्ध नगर के डीएम है सुभाष एलवाई, किस खेल से जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन। कौन सा मेडल जीता उन्होंने, तो क्या कहेंगे, रजत विजेता रहे, यानी कि सिल्वर मेडल। भाविना पटेल अभी हम लोग डिस्कस किए हैं टेबल टेनिस में, पूछेगा निषाद कुमार हाई जंप T47 में, और देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो में, योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो, और सिंहराज अधाना किसमें, निशानेबाजी में, और मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप T63 में, और प्रवीण कुमार हाई जंप T64 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद देखिए ब्रॉन्ज मेडल विनर का नाम हम लोग देख रहे हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल में नंबर वन कौन, अवनी लेखरा, निशानेबाजी में सुंदर सिंह गुर्जर, जेवलिन थ्रो में सिंहराज अधाना, निशानेबाजी में। एक एक प्लेयर याद रखना, ये हम अभी बता दे रहे हैं तुमको। शरद कुमार जो है वो हाई जंप T63 में, हरविंदर सिंह जो है तीरंदाजी में, और मनोज सरकार जो है बैडमिंटन में कौन सा मेडल जीता है, तो क्या कहेंगे, ब्रॉन्ज मेडल। अब थोड़ा ये ध्यान देखना, अवनी लेखरा गोल्ड मेडल विनर भी रही हैं और अवनी लेखरा ब्रॉन्ज मेडल विनर भी रही हैं। ठीक ना, हम डबल टिक कर रहे हैं, हम जो है वो डबल टिक कर रहे हैं, अवनी लेखरा गोल्ड मेडल विनर और अवनी लेखरा ब्रॉन्ज मेडल विनर दोनों रहा है। अब देखो कोई और नाम अगर मैं जो है वो कहीं ना कहीं अगर रिपीट हो रहा होगा, देखो सिंहराज अधाना, यहां पे भी हम डबल टिक किए, सिंहराज अधाना जो है उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता और सिंहराज अधाना जो है उन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। तो कौन सा प्लेयर जो ओलंपिक में दो दो मेडल जीता पैरालंपिक में, तो पहला नाम क्या हो गया, अवनी लेखरा ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, और दूसरा कौन हो गया, तो सिंहराज अधाना कौन, सिल्वर एंड गोल्ड। याद रखना ये जो है ये सिल्वर एंड ब्रॉन्ज है, सॉरी सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ठीक ना, सिंहराज अधाना के बारे में बता रहे हैं सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, और अवनी लेखरा के बारे में बता रहे हैं गोल्ड एंड ब्रॉन्ज। तो दो प्लेयर ऐसे तुमको मिल गए जिन्होंने जो है वो दो दो बार मेडल जीता, और वो दो बार मेडल का नाम दोनों बार जो है कौन जीते हैं, तो सिंहराज अधाना ने निशानेबाजी में ही सिल्वर मेडल भी जीता और निशानेबाजी में ही उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, और अवनी लेखरा जो है उन्होंने निशानेबाजी में जो है अवनी लेखरा जो है निशानेबाजी में एक तो गोल्ड मेडल, और सबसे ऊपर उन्हीं का नाम हम लोग लिखवाए हैं गोल्ड मेडल, ठीक है गोल्ड मेडल लिखा हुआ है, और अवनी लेखरा ब्रॉन्ज मेडल में भी जो है उन्होंने जो निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तो दो प्लेयर का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, अवनी लेखरा के बारे में और सिंहराज अधाना के बारे में। मरियप्पन थंगावेलु का नाम याद रखिएगा, बहुत पॉपुलर पैरालंपिक के जो है वो प्लेयर हैं, ये इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, बराबर यहाँ से एग्जाम में जो है वो इनके बारे में पूछा जाता है। टेक चांद के बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे, सुहास एलवाई के बारे में जानकारी रखिएगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा के बारे में जो है वो हमेशा जो है याद रखिएगा। तो कुल मिला के टोक्यो पैरालंपिक में जो है भारत का जो सफ़र रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, काफ़ी उसको हम कह सकते हैं कि रिमार्केबल परफॉर्मेंस था, और साथ ही साथ ऐसा परफॉर्मेंस पिछले कई पैरालंपिक में जो है वो देखने को हम लोगों को नहीं मिला जो इस बार हम लोग को जो है वो मिला। जैसे कि अभी हम बता दे रहे थे सबका नाम यहाँ पर लिखवाए थे, तो याद रखना कि 5 जो है गोल्ड मेडल, 8 जो है सिल्वर मेडल, 6 जो है ब्रॉन्ज मेडल, यानी टोटल 19 मेडल के साथ भारत जो है इस बार सबसे
टॉप पे रहा है, हम कहेंगे। आप टॉप पे कहने का मतलब नंबर वन पे नहीं, अपने सारे पैरालंपिक इवेंट जो अभी तक पार्टिसिपेट इसमें करता आया है, पिछली बार पैरालंपिक में याद है मात्र 2 ही मेडल था, और इस बार देखो 19 मेडल, कितना दूर का फासला है। और उम्मीद करेंगे कि आगे जाके ये परफॉर्मेंस और बेहतर हो। तो जो प्यार और जो सम्मान देश के समर ओलंपिक इवेंट के, समर ओलंपिक के जो विजेता रहे उनको मिला, वही प्यार और सम्मान देशवासियों की तरफ से इन सभी को भी मिला है। हाल ही में भारत सरकार ने इन सभी को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है, और ये लोग किसी न किसी अभाव में, शरीर के किसी न किसी एक अंग के अभाव में मन को नहीं हारे, अपने मन को दुगुनी गति से लड़ते रहे, और साथ ही साथ दुनिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट किया और अच्छा परफॉर्मेंस करके लौटे। ये नहीं है कि पार्टिसिपेट किया, अच्छा परफॉर्मेंस करके लौटे। तो एक बार तुम लोग जो है टोक्यो पैरालंपिक पे सीरीज ये देखना, और जो नाम है उसको नोट डाउन कर लेना, और एक एक करके देखना। स्लाइड में चेहरा के साथ हम लोग यहाँ पे लिए हैं तो यूनिक लगेगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। इस तरह के और सीरीज को लेके एक बार अवार्ड पे एक सेगमेंट हम लोग लाएंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स हम लोग यूट्यूब के माध्यम से दें, तो जो भी नए पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो और आगे और सारे कंटेंट को जानने की इच्छा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जो भी पहले से इसके जो है सब्सक्राइबर हैं, आप लोग को ये कंटेंट और ये नॉलेज सीरीज अच्छा लगा हो तो आप इसको जो है लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रिचेबिलिटी हो ये कोशिश करिएगा। उसी से हम लोग का जो मेहनत है वो सफल होगा। तब तक के लिए आप वहाँ पे छोड़े चले जाते हैं, अगली बार फिर किसी सीरीज के साथ आपसे फिर एक बार मिलेंगे।